ये चीज क्लियर करूंगा। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सामने दो बड़ी वैकेंसीज हैं। जिन बच्चों के पास 12th और BA की डिग्री है, BA है, BSc है या BCom है, कुछ भी लगाया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनने का इच्छुक नहीं है वो धीरे सी पार बोलना। 5-7 बच्चे अगर क्लास में कम होते हैं, नए पढ़ने वाले बच्चे, तो इससे नुकसान नहीं फायदा होता है। इससे क्या होता है, फायदा होता है। हमने हमारा रिजल्ट लेना है, न कि उसके साथ गॉसिपिंग करके अपनी एनर्जी को खत्म करना है। इतनी नहीं होती एनर्जी के बीच में तुम्हारे साथ टोका टोकी करें। मैंने कहा भी 12वीं और BA बेस पर एक बहुत बड़ी वैकेंसीज आगाज हो रही है। अभी कल मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और वो न्यूज़पेपर बिल्कुल सही कहता है। एक रोजगार समाचार पत्र आता है, उसमें दो वैकेंसीज बड़ी मात्रा में आ रही है। बाकी मैंने आपको 34-35 जितनी भी बताई थी वो तो है ही। एक तो है SI की और एक है पटवार की। चाहे आप हो हरियाणा से, चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, ये वैकेंसी आएगी। ये जो वैकेंसी है ना पटवार वाली, ये CET बेस पर आ रही है। किस पर आ रही है? ये CET बेस पर। और ये वैकेंसीज बिना CET बेस पर आ रही है। क्लियर? इस वैकेंसीज में आपका फिजिकल है, इसमें किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं है, तैयारी कॉमन है आपकी। इसमें मैथ्स भी आएगी दोनों में, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, और आपके GK है। इसी बेस पर बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों वैकेंसीज है। आप लोग तैयारी अच्छी रखो, पेपर आता है फॉर्म लगा दीजिए। ग्रुप D के फॉर्म भरने की लास्ट तारीख 7 थी, अब आपके 30 जुलाई कर दी गई है। अगर किसी बच्चे ने किसी कारणवश फॉर्म नहीं लगाया था, वो फॉर्म लगा देना यार, तैयारी सेम है जो हम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? SI बनने के बाद में कितने स्टार लगते हैं? 2 स्टार लगते हैं। 2 स्टार का मतलब हो गया, वो थाना का जो थाना होता है ना, जो चौकी या थाने होते हैं उनका मुख्य होता है SI। हाँ, क्या कह रहा है? आजा इधर आके बोल लेना, फिर यहाँ आजा, आजा तेरे को छूट देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? 2 स्टार लगते हैं SI के, और पटवार की वैकेंसीज भी अच्छी वैकेंसीज होती है, अभी कृषि से जुड़ जाता है। क्लियर है? अभी जो मैंने आपको प्रत्यय दिखवाए ना, उनमें क्या था?